दोस्तों, आजकल आ रहे अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो मामला हाल ही में सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। इस मामले को यूपी के अलीगढ़ का बताया जा रहा है, जहां हनीमून पर पत्नी के साथ पति द्वारा बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। इस मामले में बनियापाड़ा निवासी लड़की की शादी बीते साल 9 दिसंबर को एटा के मनोज से हुई और शादी के बाद दोनों हनीमून पर गए। वहीं अब इस मामले में पीड़िता का आरोप है कि मनोज बुरी आदतों से घिरा हुआ है और जुआ खेलना, सट्टा लगाना और शराब पीना उसकी आदत है। ऐसे में आईपीएल के दौरान वो 45 लाख का सट्टा हार गया। इसी के साथ आगे पीड़िता ने कहा, वो उसे हनीमून के बहाने दार्जिलिंग ले गया और वहाँ मनोज के बहन और बहनोई भी थे। वहीं उस दौरान कमरे में मनोज ने उसे शराब पिलाई और फिर उसके साथ अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश की। वहीं जब उसने इन सभी बातों का विरोध किया तो मनोज ने शराब की बोतल तोड़कर कांच उसके मुंह में डाल दिया और इस दौरान मनोज की बहन भी उसका साथ देती रही और सब कुछ देखती रही। इस मामले में पीड़िता का कहना है कि सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और वापस आकर पीड़िता ने अपने परिजनों को सारे मामले की जानकारी दी। वहीं अब पीड़िता के पिता ने थाना दहली गेट में मुकदमा दर्ज करवाया है और जल्द आरोपियों को हिरासत में लेने की बात कही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस जल्लाद पति को ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।